Click on the bell icon to get regular updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सील कोट कैसा होता है और हम इससे कैसे मिक्सअप करते हैं और हम कितने वेट में कितना इमल्सन एक टाइम में डालते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये हमारे साथ छोटे खान जो इमल्सन डालने में एक्सपर्ट हैं और ये नसीम खान टीम जो काफ़ी अच्छा काम करती है। इस वीडियो में आपको बताऊँगा हम इस इमल्सन को कितना गर्म करते हैं और हम गर्म करने के बाद किस कंटेनर में इसको डालते हैं और किस प्रकार हमारी रिवर्स सैंड या हमारी डस्ट इसमें कैसे मिक्सअप होता है और हमें हम इसको किस चीज़ से गर्म करते हैं आज को इस वीडियो में बताएंगे। ये हमारी मैक्सोल है और हम इसे एलपीजी सिलेंडर से, और जैसे आप देख रहे हो ये हार्ड फॉर्म में बिटुमिन है जिसे हम पिघला के इसे 100 से 150 डिग्री, और इसमें इको थंब भी हम इसमें यूज़ करते हैं जैसे हम पीसी में यूज़ करते हैं, सेम टू सेम इसमें डिट्टो काम हम करते हैं। बस फ़र्क ये है उसमें हम ग्रिड का यूज़ करते हैं, इसमें हम डस्ट का यूज़ करते हैं और हमारा इमल्सन सेम होता है और परसेंटेज में हमारा इसमें ज़्यादा का फ़र्क होता है। उसमें हम 3 से 4% और इसमें हम 6 से 7% तक इमल्सन यूज़ करते हैं। जैसा आप देख रहे हो इमल्सन अपने लिक्विड फॉर्म में आ चुका है और अब इसे हम इस ब्लैक कंटेनर में डालेंगे और ये दो पाइपों के माध्यम से इमल्सन सैंड में मिक्स हो जाएगा। और जैसे आप देख रहे हो एलपीजी सिलेंडर हमने लगा दिया है और इसके बाद हम इसे जलाएंगे और जैसे आप देख लिया मैक्सोल चालू हो चुका है और इसके बाद अब इस कंटेनर में आप देखोगे इमल्सन हमने डाल दिया है। और हमने इमल्सन तब डालना है जब हमारी सैंड 150 डिग्री तक तापमान में गर्म हो जाए। इसके बाद हम 150 डिग्री के तापमान में बिटुमिन के इसमें फिल करेंगे और इसके बाद ये आपस में मिक्सअप हो जाएगा। हम इन दोनों को मिक्सचर को हमें 150 डिग्री पे ले जाना है, उसके बाद ये हमारा तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर ब्लैक ना हो जाए। उसके बाद हम इसको रोड़ी के जैसे हम पीसी करते हैं, पीसी के ऊपर हमारे स्पेस सा रह जाता है छन्नी जिसको हम कहते हैं, हमें उसे फील करने के लिए और ग्रिड की पैकिंग करने के लिए या पीसी की पैकिंग करने के लिए आप कह सकते हो, हम उसके ऊपर डालेंगे और इससे हमारे पानी और बारिश से हमारा बचाव हो जाएगा। आप जैसे देख रहे हो ये सैंड, हम रिवर सैंड भी हम यूज़ करते हैं इसमें और हम इसमें डस्ट यूज़ भी करते हैं। और जैसे आप हमारे साथ हमारे सीनियर नरेंद्र भाई लेबर को कुछ बता रहे हैं कि इसे कैसे चलाते हैं, कितनी टाइमिंग है, कितना हम इसमें सैंड यूज़ करेंगे, कितने सैंड में हम कितना इमल्सन डालेंगे। थोड़ा सा गर्म मिजाज के हैं बट ये हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और हमारे साथ पुराने हमारे मक्खन सिंह जो काफ़ी काबिलियत ऑपरेटर भी हैं और इन पाइपों के माध्यम से हमारा बिटुमिन सैंड के साथ मिक्सअप होता है। और अब जैसे देख रहे हो ये हमारे साथ जो जैसे हम चावल को हल्का हाथ में निकाल के चेक करते हैं ये पका या ना पका, इसी के साथ हमारे ये हमारी नसीम टीम भी चेक करती है हमारा इमल्सन और सैंड जिसे हम सील कोट कहते हैं ये ब्लैक हुआ या नहीं हुआ। तब तक इसे हम हीट अप करते हैं और हीट अप करने के साथ अब आप देख सकते हो इसे हमने ट्रॉली में लोड कर दिया है, जैसे कि हमारा माल काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब ये सील कोट तैयार हो चुका है पीसी की पैकिंग करने के लिए। सो हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे हमारा सील कोट का वर्क हो रहा है, तो लेट्स गो। सो आप देख सकते हो किस टाइप से हम शिफ्टिंग का काम कितनी आसानी से करते हैं और इससे हमने 150 डिग्री पे ले जाके हमने पीसी के ऊपर डाल दिया है। और अब हमारी इसे फैलाने के बाद इसकी थिकनेस
6 mm होती है और लूजिंग में हम इसको 10 या 8 mm भी रख सकते हैं। कॉम्पैक्ट के बाद 6 mm इसकी थिकनेस आती है, जो कि हमारे साथ हमारे नशीम खान काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और आप देख सकते हो हमारा टैग कोट। मैं आपको बता दूं, टैग कोट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे हमारी पीसी आज हुई और हमने सील कोट कल करना है। इसके ऊपर हमें टैग कोट का यूज़ करना है अगर हमारे हैंड टू हैंड हमारा काम हो रहा है, आज हमारी पीसी और आज ही हमारा सील कोट, सो तब हम इसके ऊपर टैग कोट नहीं मारेंगे। अगर लाइमस्टोन ज़्यादा है अगर पीसी में, तो उस कंडीशन के ऊपर भी मैं कह सकता हूँ आप टैग कोट मारिए। जैसे हमने कल ही पीसी की थी, आज हम सील कोट कर रहे हैं, सो हमें टैग कोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टैग कोट का मैं आपको बता दूँ, 250 ग्राम से 300 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जैसे आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा काम हो चुका है, शानदार। और ये काम हो रहा है जखोल बटवाड़ी ब्लॉक उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच। देख सकते हो रोलिंग करने के बाद हमारा सील कोट कितनी अच्छी फिनिशिंग और कितनी अच्छी हमारी रोड पे एक भी आपको एंडुलेशन देखने को नहीं मिलेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और